आज की यात्रा ना गंगोत्री यमुनोत्री ये आज हमारी यात्रा हो रही है यमुनोत्री की और हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब शुभ नाम नरेंद्र जी और अभी कहाँ पे पहुँच गए केम्प्टी फॉल और ये हमारे साथ पिताजी चाचा जी हैं नवीन जी हैं हेलो देखो बड़े बड़े लोग आए साथ में और तो ये अभी हम लोग नाश्ते के लिए खड़े हो गए कौन सी जगह है केम्प्टी फॉल तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं यह सर जी का तो अब सॉरी जय हो प्रभु जी के प्रणाम करते हुए और ये आशीर्वाद लेते हुए आपके साथ यात्रा हो रही है हमारे गुरु जी मेरे साथ हैं आज बहुत सौभाग्य की बात है और गुरु जी के पिताजी देखो सभी लोग ये आज हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात थैंक यू गरम पराठा आ गया है और हम लोग पराठा पाके फिर निकले देखो भाई जी कहाँ आ गए अरे वाओ ये यहाँ पहाड़ी बकरे इनके सींग दिख रहे हैं ना ये और कैसे इनको बांध के खिलाया जा रहा है और हम लोग डामटा यानी कि गंगोत्री से कम अभी 80 या 90 किलोमीटर पीछे ओह और ये देखिए तो यहाँ चाय के लिए रुक गए हैं थोड़ा भाई जी लोग पीछे हैं वाह और ये यहाँ की पहाड़ की बसें तो अभी कहाँ जा रहे हैं लाखा मंडल मतलब एक लाख शिवलिंग सडनली प्रोग्राम बनाया चौहान वाह देखो भगवान ने बुलाया और नीचे ये यमुनोत्री यमुना मैया ये नीचे यमुना मैया बह रही है दिख रही ओ माय गॉड ये हम इसी यमुना जी के किनारे यमुनोत्री यात्रा पे जा रहे हैं थैंक्स गॉड ये अद्भुत नजारा है देखिए ऐसे ऊपर बांध दिया लकड़ी के अद्भुत है ये होली के लिए है होली के लिए होली पार्टी होती है अच्छा उसके पहले ये बकरे है सब बकरे बिक जाएंगे अच्छा सींग तो बहुत नुकीले होली में और बकरीद में होली में अच्छा इनका दहन होना अरे राम ये यमुना जी ना एकदम ऐसे पतली सी एकदम पहाड़ियों में बीच में होके आती हैं और इसी के किनारे ऊपर तक ऐसे पहाड़ों के आभा मंडल के साथ हम लोग यमुनोत्री पहुंचेंगे और यहाँ पे ना ये पूरा बर्फ ही बर्फ हो जाती है इन पहाड़ों में तो देखिए एकाएक यात्रा और एक लाख शिवलिंग है यहाँ से अभी यात्रा बन गई है हम वहाँ जा रहे हैं पहुँच के बताते हैं या ये लौकी ना अंदर ही अंदर बड़ी इतनी लंबी चौड़ी हो गई है कि ये देखिए और ये आकर्षण का केंद्र बन गई है यहाँ इतनी छोटी का अरे बच्चे पहाड़ी टमाटर और यहाँ यमुना मैया के दर्शन वाओ क्या दृश्य है ये यमुना जी के बार बार दर्शन हो रहे हैं वाह फिर दोबारा चाय का राणा जी की चाय डामटा से एकदम खुली जगह है गाड़ी पार्किंग करने के लिए राणा जी से ओ डामटा से आगे थोड़ा सा आगे लीजिए प्रभु हाँ चाय पीजिए वाह आप लीजिए अरे लीजिए चलो आपने पकड़ लिया आप हाँ की कीमत 30,000 रुपया है 30,000 रुपया
हमारे यहाँ 5,000 में मिल जाएगा। पहाड़ी बकरे इतने महंगे कैसे हो सकते भाई। ये नई जगह है लाखा मंडल और यहाँ 1,00,000 शिवलिंग है। वाह वाह, ये दरवाजा है। जय हो प्रभु, जय हो। लाखा मंडल वेलकम, वेलकम टू द सीक्रेट टेंपल। ओके, ये लाखा मंडल का ना आभा मंडल ही अलग है। चलते हैं देखते हैं थोड़ा। नहीं तो बहुत पहले आया था। अच्छा, कुछ अलग डिफरेंट ही है। अभी जाके बताएंगे, मैं जी बताएंगे आपको। ओके ना, तभी तो ये लकड़ी के बनाए जा रहे हैं पूरा है। लकड़ी के घर हैं? पौराणिक ऐतिहासिक देवनगर लाखा मंडल शिव मंदिर। स्वामी विरोचन गिरी भैया। जय हो भोले बाबा, या भोले बाबा। सेकंड टाइम विजिट। रिमूव द शूज, रिमूव द शूज हियर। वाह, इधर कहीं है पुजारी का घर। इसके यहाँ दर्शन भी करवाते हैं लोगों को। तो इसकी थोड़ा महिमा बताओ ना प्रभु। महिमा बताएंगे महाराज, बिल्कुल पूरी महिमा बताएंगे, इसका पूरा वर्णन बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है, आप शौक से बताइए। हाँ हाँ, ये स्थान ना मसूरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ संत कुटिया हमने बनाई ताकि जो संत यहाँ आए उस कुटिया में रहें 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उसके बाद अपना चलते रहें। अच्छा, यहाँ संतों का कोई वो नहीं, ये है मंदिर है। यहाँ कुछ नहीं है, कुटिया बनी हुई संतों के लिए। मतलब संत यहाँ रात में आके रुक जाए, 2 दिन रुके नहीं, यहाँ कई संत आगे चले गए। यहाँ ब्राह्मण जो है मंदिर के मेन पुजारी हैं। हम लोग 40 परिवार हैं। हम लोग हैं पौड़ी के सुमाड़ से, हम काला लोग हैं। यहाँ बोगना लोग भी हैं, गौड़ लोग भी हैं। इन कास्ट की यहाँ पूजा करते हैं 4-4 महीने। और ये हमारे पूर्वजों ने ये भारत सरकार को दिया इसकी सुरक्षा के लिए कि आप इसकी सुरक्षा करें और इसको सुरक्षित रखें। हमारी ये 10-12 पीढ़ी यहाँ पूजा करते हैं। अच्छा, लाखा मंडल में यहाँ पर तो जो लाक्षाग्रह का जो मान्यता है उसके पश्चात सकुशल जो निकले यहीं से ही निकले थे है ना, लेकिन लाक्षाग्रह तो दूसरी स्थान पर था। लाक्षाग्रह उसे 3 जगह बताते हैं। हाँ जी जी, अब 3 जगह में अब कहाँ क्या है, यहाँ जो महत्व तो है लाक्षाग्रह का, हम उस आधार पर इसको बताते हैं। तो यहाँ प्रमाण है जो विधान है। हाँ। वो मतलब जहाँ तक मेरे जानने में है तो क्या ये सही है, आप इसको मानते हैं कि लाक्षाग्रह में जो जब वो सकुशल निकले 5 पांडव तो इस स्थान से ही वो बाहर निकले थे? क्योंकि वर्णावत पहाड़ नहीं है, जगह है। हाँ। जो वर्णावत जो जगह है, आप जब ये विकास नगर जो मसूरी से जब ऊपर लगता है ये पूरा वर्णावत जगह है। कहीं भी कौरव लाक्षाग्रह बना सकते हैं, क्योंकि पूरा राजवंशी का था कौरवों का द्वापर युग में पांडव का। तो उन्होंने ऐसी जगह लाक्षाग्रह बनाया पांडव को जलाने के लिए, ताकि पांडव को पता ना लगे कहाँ उनको मारा जा रहा है, कहाँ उनको जो क्या किया जा रहा है। यहाँ जो तथ्य मिलते हैं तथ्य के आधार पर यहाँ का वर्णन होता है। ये आप पत्थर देख रही है जी, ये उस समय के पत्थर है लाक्षाग्रह के।
यहाँ पर जब पांडवों को जलाने के लिए जब लाक्षागृह बनाया कौरवों ने, हाँ, तो जब आग लगाई जो उसकी नींव है, हाँ, ये पत्थर है उस समय, लोग कहते हैं उसकी ईंट है, ये उस समय का पत्थर है। तो ये लाल उसी आग की वजह से, हाँ, ये जला हुआ पत्थर है, हाँ, और पीछे दो द्वार पाले वहाँ से सुरंग है। अच्छा, आप आइए, तो पंडित जी भी आ रहे हैं, आप इधर आइए। जो लाक्षागृह का जो प्रमाण है यहाँ का, हाँ, इसका जो बहुत बड़ा विस्तृत है ना कंबोडिया में, जिसकी हम चर्चा करें ना, ये स्थान पर पांडव को जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह बनाया था कौरवों ने यहाँ पे, हाँ जी, जब वो महल बनाया वो जब जल गया, जिसका वर्तमान जो अवशेष हैं ये पत्थर ही दिखते हैं, इसके जो बाहर लगे हुए हैं, यहाँ से वो सुरंग है। अच्छा, यहाँ से सुरंग है। मेरे पिताजी की उम्र है 95 वर्ष, हाँ, वो बताते कि जब हम छोटे थे तो हम इसके अंदर जाते थे खेलने के लिए। अच्छा। तो इसके अंदर ना ये भयानक कुछ ऐसी आवाज आती थी, तो इसको ये भारत सरकार ने फिर बाद में बंद कर दिया। अच्छा, मतलब ये निशान बना दिया है, और इसी के अंदर वो गुफा है लाक्षागृह वाली, जो नीचे निकलती है रोड पर यहाँ से आते देखिए हमने जो। अच्छा, वो जो गुफा थी, यस यस, गुफा के अंदर जब आप लोग जाएंगे उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है। अच्छा, उस पर कुदरती अभिषेक होता रहता है, वहाँ कोई अभिषेक नहीं करता है, जल रिसता रहता है, हाँ जी। उसके अंदर दो सुरंग और हैं, बताया जाता है कि एक यमुना नदी में जाती है और एक केदारनाथ को जाती है। अच्छा। तो उसी रास्ते बताते हैं पांडव आगे भी बढ़े हैं ये दोनों। ये कैसे, इनका क्या? आप दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ तो दक्ष राजा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। अरे, तो सती माता जब पिता के घर जाती है, पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाता है, हाँ, तो जो यज्ञ हो रहा था उसमें भस्म हो जाती है। भगवान शंकर जी को जब पता लगा, उन्होंने अपनी जटा से ये दो वीरभद्र तैयार किए, जिन्होंने दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस किया था। जब भगवान राम जी का अवतार होता है त्रेता युग में, तब यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के समय ये द्वारपाल बनते हैं भगवान कृष्ण जी के। वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है उस समय ये देव हैं, इनका मुकुट लगा हुआ है। अच्छा, और ये दानव हैं, इनके कंकाल है मस्तक पर। अच्छा, इनके मस्तिष्क पे कंकाल, कंकाल है, और इनके मस्तिष्क पे मुकुट है। अच्छा, देव और दानव, तो जय विजय और देव और दानव, वीरभद्र और वीरभद्र, और जो ऋषिकेश के पास वीरभद्र है वो यहीं से नहीं, मतलब जो हरिद्वार में जो कनखल में जब जो हवन कुंड है, यस यस, जहाँ माता सती हो जाती है, जी, जी, तो यही दो वीरभद्र हैं वो, जिन्होंने, अच्छा, शंकर की जटा से जो पैदा किए भगवान शंकर ने, जटा पटक कर, हाँ, जाओ ये दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस करो, जिन्होंने वो यज्ञ विध्वंस किया। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं, 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसको यहाँ रखा जाता था, इस पे चाहे महिला हो पुरुष हो। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। अच्छा, फिर पंडित जी का तो उसकी पितृ पूजा होती थी, तब से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आप लोगों के यहाँ दर्शन करने से आपके जो पूर्वज हैं उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और आपकी यात्रा यहाँ सफल होती है। पांडव को लगता है पितृदोष, हाँ, पितृदोष जब पांडव को लगता है तब चलते हैं भगवान शिव की खोज में, भोलेनाथ के दर्शन होने चाहिए, तभी हमें हमारे पितरों से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा धर्मराज को ऐसे भोलेनाथ जी नहीं मिलने वाले कि गली में चलेगी मिल गई, तब करना पड़ेगा। तुमने पाप किया, तुमने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, पितामह भीष्म को मारा, अपने भाई बंधुओं को मारा। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप भगवान शिव की स्थापना करो, तो इसका वर्णन भी है शिव पुराण में, आप सुनते होंगे जब केदारकंठ का अध्याय चलता है उसमें लिखा हुआ है, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त इस देवनगर के दर्शन करते हैं उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही वो देवनगर जो यहाँ पांडव आए, हाँ, ये मंदिर बनाया एक रात में पांडव ने, ये अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। ये 5 पांडव हैं सामने, 5 भाई विराजमान है। ये जो, हाँ, इधर आइए आप, ये तो भगवान शिव का नहीं, ये हवन कुंड है। अच्छा, ये हवन कुंड, पूजा होती है तो हवन किया जाता है। ये 5 पांडव है, ये भगवान शिव का जो आधार है, यदि भगवान शिव होते इनका रूप अलग होता,
ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी हैं। अच्छा अर्जुन है ये अर्जुन भीम जी भीम सहदेव और नकुल। अच्छा ये सहदेव ये नकुल। आपने किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को दक्षिण को देखा है? पश्चिम और दक्षिण में यम का वास होता है। इनका जो फेस देख रहे हैं आप जी ये पश्चिम और दक्षिण को है। इन्हीं के सामने मरा हुआ व्यक्ति रखते थे तब जीवित होता था। इन्हीं के दर्शन करने से आपके पूर्वजों को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये धर्मराज यदि भगवान शिव होते ये शंकर जी होते इनका ये फेस इधर होता पूरा पूरा। तो ये इसकी पहचान जितना ये शिवलिंग ऊपर है इससे कई गुना अंदर है। कलयुग के चार चरण है। अच्छा सबसे छोटा कलयुग है। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण शुरू है, चौथा चरण आने पर मनुष्य के लिए अन्य नहीं होगा। जब घोर कलयुग होगा तो पांडवों ने यहाँ पर मनुष्य को जीवित रखने के लिए भंडार भरा हुआ अन्नपूर्णा धन भंडार इतना अन्न रखा हुआ है संपूर्ण जगत का कल्याण होगा तब सत्य प्रारंभ होगा। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी हम विराजमान की पाँचों भाई यहाँ विराजमान अपने अस्तित्व यहाँ छोड़ के चले गए। परिसर में ये शिवलिंग इस लाखा मंडल में 100 मीटर में आज ये खुदाई होती है यहाँ शिवलिंग निकलते हैं। ये खुदाई हुई है 2007 में ये वाली ये परिसर वाली। अच्छा इस खुदाई 2000 कब हुई? 2007 में 2007 में हाँ। खुदाई हुई तो शिवलिंग ये सब हाँ। जो निकले इसी से निकले हाँ जी यहाँ पर पांडव ने तीन हाँ जी इससे पहले बहुत शिवलिंग है यहाँ पर जो है ना वो इसमें स्टोर में रखे हुए। अच्छा ये है स्टोर ये पंडाब संग्रहालय। अच्छा वहाँ अभी लकड़ी का काम शुरू नहीं हुआ है उसके अंदर ये सारी मूर्तियाँ वहाँ रखी जाएगी। यहाँ पर पांडवों ने 365 मंदिर बनाए ये सब मंदिरों के गुंबद ऊपर की दिख रही है आप ये छोटे छोटे। अच्छा अच्छा जैसे उस मंदिर पर देखो ये बड़ा पत्थर रखा हुआ भीम जी ने अपनी हथेली से कहाँ पे बीच में देखिए बीच सेंटर में देखिए सेंटर में बीच में ऊपर रखा गोल गोल पत्थर इसी टाइप का मंदिर लकड़ी का सबसे टॉप के अंदर छत्तर के नीचे। अच्छा लेख भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं संत ने उस लेख को पढ़ा जब वो पढ़ा तो उसके प्राण निकल गए। अब ना जाने उस लेख में क्या लिखा हुआ है भगवान जाने क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पाया वो संत उसके प्राण निकल गए बोलते बोलते। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में बनाया है और जिस गौ माता ने इस मंदिर की खोज की अंदर जो शिवलिंग है उसी शिवलिंग पर अभिषेक पूजा करती थी गौ माता। तो उस गाय के खुर के निशान इस मंदिर पर अंकित हैं। ये देखिए आप लोग पूरे मंदिर पर देखो ये पूरा पत्थर का बना हुआ है मंदिर। क्या क्या बता रहे ये गाय ने क्या किया था इस मंदिर की खोज की? अच्छा अंदर जो शिवलिंग है हाँ। उस शिवलिंग के ऊपर गाय माता ने अभिषेक करती थी दूध से आकर नदी पार आकर। अच्छा यहाँ पूजा करती थी इसलिए ये खुर के निशान बने। जब ये मंदिर बनाया पांडवों ने तो उन्होंने गाय के खुर के निशान बना दिए कि गाय ही इस मंदिर की खोज करेगी उसके बाद मनुष्य यहाँ पूजा करेगा। अच्छा तो अंदर माता जी के चरण है पार्वती मैया कन्या रूप में 5 साल की 12,000 वर्ष उन्होंने यहाँ तपस्या किया माँ पार्वती ने और गाय के खुर के निशान ये बाहर बना दिए पांडवों ने कि गाय के द्वारा इस मंदिर की खोज होगी उसके बाद यहाँ मनुष्य पूजा करेगा। तो ये आदि केदारनाथ 5,500 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर के 16 स्तंभ हैं। 16 स्तंभ जिस मंदिर के होते हैं कैसे उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान। ये 16 स्तंभ हर मंदिर के 16 स्तंभ नहीं होते। अच्छा ये भगवान राम जी के समय का ज्योतिर्लिंग है जटायु का। क्या नाम ये जो ज्योतिर्लिंग है? अच्छा ऐसा ही ज्योतिर्लिंग पांडवों ने ये भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया जब लंका के लिए पुल बांधा था। ओके या तो रामेश्वर में तीर्थों का ज्योतिर्लिंग है या यहाँ पर ही विराजमान। आप आइए हाँ जी आइए महाराज हो गए दर्शन प्रभु जो कला है मनुष्य का जो कपड़े पहने सब उसमें ऐसे उसी प्रकार दिखाते हैं। अच्छा अद्भुत चिंता हनुमान कलयुग के हैं कहते हैं कि जिस प्रकार राजा भगीरथ ने गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया जी। इस शिवलिंग पर अभिषेक करने से आप लोगों के जो पितर हैं उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है और कष्ट भगवान हर लेते मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिर्लिंग अष्टदल पर इस ज्योतिर्लिंग के 8 कोने हैं। अष्टदल पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है।
तो यहाँ जितने भी ज़्यादातर शिवलिंग हैं अष्टदल पर बने हैं। अद्भुत शिवलिंग मरलेश्वर महादेव विजय तेतर, वाह संत सेवा कुटिया, जय हो। नीलकंठाय नमो, चंद्रेश्वराय नमो, वीरभद्राय नमो, सोमेश्वराय नमो नमो, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमो, केदारखंडाय नमो नमः, पंच केदाराय नमो, रुद्रनाथाय नमो, तुंगनाथाय नमो, कल्पेश्वराय नमो, मधुमेश्वराय नमो, केदारखंडाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगानि स्वयं प्रातः पटेन सप्तजन्म कृतं पापात्मनं विनश्यते। अंदर आपका फोटो दिख रहा है ना, सभी इसकी खासियत आपका फोटो दिख रहा है उसके अंदर, देखिए इसके अंदर सभी के अंदर देखो आप दिख रहे हैं ना, ऐसी खासियत है भगवान, ये आप दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है दूर से देखो, ये आप ये अंदर दिख रहे हैं इस शिवलिंग के अंदर, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर दिख रहा है, यू कैन सी योर फेस देयर, यस इनसाइड इस शिवलिंग में ना पूरा ब्रह्मांड है, जैसे हम लोगों की प्रतिमा दिख रही है ना, ये देखिए पूरा आकाश, ये इसकी खासियत है। गुरु जी आइए ना इधर को, जय हो जय हो जय, ये देखिए ये देखिए, वाह ये शिवलिंग की खासियत है इसकी कि इस शिवलिंग के अंदर ही, ये देखिए हम लोग अरे वाह थोड़ा कम कर, जय हो महादेव, जय प्रभु है, हम तुम में हैं तुम मुझ में हो, यस ये यहाँ प्रमाण है। मंडल एंड दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस टू फॉर instance on Mahabharata times when the Kauravas and Pandavas. So there is and so many, and there is a priest, Panditji. These are all the teams we came here. Pioji from Thailand, Anilji, very good blogger, and he was busy with making blogging. And that all people are here, and all the disciples. And this was very nice. And my father, he just came to here also visit in the Himalaya, and we can see these houses in Himalayas. It was very nice. We are very grateful and thankful to all the priest and temple organization samiti, and we would like to invite all of you to should be come and visit. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Satya Sanatan Dharma Ki Jai Ho.
यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, सदाशिव महाराज की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, हमारे माता पिता की जय हो, सभी की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव शिव शंभो। लाभ लीजिए, बड़ा अद्भुत। और आज हम हिमालय यात्रा पर, लाखा मंडल की यात्रा पर, और ये सामने आप देख सकते हैं भव्यता और दिव्यता। द्रौपदी कुंड, ये सामने द्रौपदी कुंड का वो जो गुफा है, सीढ़ियां दिख रही है। अच्छा अच्छा। और ये यहाँ से जाने का मार्ग है जहाँ पर माँ द्रौपदी स्नान ध्यान भजन करते थे। और ये यज्ञ कुंड है, और माना जाता है, मान्यता है, लाखा मंडल में भगवान शिव की उपासना के लिए पंच पांडवों द्वारा 125,000 शिवलिंगों का निर्माण किया गया। माँ काली, माँ भद्रकाली, मोक्षदायिनी देवी, सदा जय हो, तेरी सदा जय हो, माँ तेरी सदा जय हो। ये माँ भद्रकाली दीर्घा। और ये मान्यता है कि जो मृत्यु के पश्चात, जो आप यहाँ सामने बोर्ड में पढ़ सकते हैं, मरणेश्वर महादेव जो अद्भुत शिवलिंग है, आप जिस स्थान पर आए, या क्षेत्र आदि केदार लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है, इस स्थान पर पांडवों को जीवित जलाने हेतु लाक्षाग्रह का निर्माण करवाया गया था, इसलिए यह आदि केदार क्षेत्र में ग्राम लाखा मंडल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जब पांडव अज्ञात वास में थे, उसी समय पांडवों द्वारा इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर ने लिंग की स्थापना की थी, जो भगवान सिंह शिव को समर्पित था, और आज मंदिर प्रांगण में विराजमान है। ये पांचों शिवलिंग जो माना जाता है कि पंच पांडवों का प्रतीक है, और भगवान शिव की स्मृति में, भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए शिवलिंग का निर्माण किया गया था। और शिवलिंग की विशेषता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इन द्वारपालों के सम्मुख जब रख दिया जाता है, तो पुजारी के द्वारा निमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते ही वह जीवित हो जाता है। वाह। मृत्यु को प्राप्त करते समय मुख से राम नाम नहीं कहा, तो राम नाम शब्द का उच्चारण कर ले तो गंगा जल नहीं पिया, तो भी इस प्रकार से वह मृत प्राणी जीवित हो जाता है। यह बड़ी अद्भुत, जो उत्तर भारत की जो प्रसिद्धि है, तंत्र की जो भूमि है, और देवों के देव महादेव भगवान शिव की जो भूमि है, बड़ी अद्भुत है। और शिव मंत्र का जप करने मात्र से ही पंचाक्षर बीज मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, तो उस मंत्र का जप करने से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे ये दिव्य स्थान की महिमा है। और ये हमारे अनिल जी हैं, जो बहुत बढ़िया ब्लॉगर हैं और हर समय ब्लॉग बनाने में ही मस्त रहते हैं। मतलब आप जैसे लोग अगर बोल रहे हो, तो लगता है ना प्रभु कि आपकी आवाज आ जाए साथ में, तो लोगों को लाभ मिल जाए उसका। बिल्कुल, यस। तो ये हमारा जो उद्देश्य है, आपको इस छाया चित्र के माध्यम से या चल चित्र के माध्यम से अवगत कराना कि आए दिव्य महिमा मंडल, ये प्राचीन आदि काल से सनातन धर्म की ये महिमा है, जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में सनातन धर्म पे लांछन लगाते हैं या प्रमाण मांगते हैं, तो उन सभी को ऐसे स्थानों पर आना चाहिए हिमालय के भूभाग में, जो सनातन के प्रति जो आपकी अविश्वास है, वो अविश्वास आपके विश्वास में परिवर्तित होगा। और ये देखिए, पुरातत्व विभाग द्वारा भी यहाँ इस पर पूरा रिसर्च किया गया, ऐसे ही नहीं कि ये वेद पुराणों के माध्यम से ही है, इस पर पूरा जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा भारत की जो पुरातत्व संरक्षण जो टीम है, उसने भी पूरा इसमें इस पर रिसर्च किया है। और पूरा रिसर्च करने के बाद ही पश्चात ही इन चीज़ों को यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो मिलती है। तो ये बड़ी भव्यता और दिव्यता है। और अभी यहाँ पर ये म्यूजियम बन रहा है, तो अभी ये मंदिर समिति का, और ये बहुत ही ऐसी धरोहर को बचाए रखने के लिए, इसके अंदर रखें, स्टोर में रखें। और ये देखिए आप, जो यहाँ पे जो भगवान शिव को समर्पित 125,000 शिवलिंग थे, तो उन्हीं शिवलिंगों में से ये खुदाई के दौरान भी, पर ऐसे ही बताया जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे जो ये गांव क्षेत्र है, वहाँ पर अनेकों ऐसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ और शिवलिंग अद्भुत रूप से प्राप्त होते हैं। और ये देखिए आप कैसे इनको संरक्षित किया गया है, और ये बड़ा भव्य और दिव्य है। भगवान शिव की महिमा और कैलाश की महिमा। और जो ये देखिए आप, और इसी प्रकार से ये सामने आप ये देख रहे हैं कि स्टोर है, इस स्टोर में भी
ये जो अनेकों जो विशेष प्रकार की मूर्तियां, विशेष प्रकार के शिवलिंग यहां पर रखे गए हैं ताकि जब म्यूजियम तैयार हो जाए तो ये उन मूर्तियों को वहां पर स्थापित किया जाए। और ये आप देख सकते हैं प्राचीन समय में कितनी बड़ी बड़ी शिलाएँ भव्य और दिव्यता के साथ संस्कृति परंपरा को उजागर करने के लिए और सनातन की जो अविश्वास है, जो आधुनिक समय के जो जीव हैं जिनको सनातन पर अविश्वास है, जब वो ऐसे आभा मंडल ऐसे हिमालय के भूभाग में आएंगे तो उनका जो अविश्वास है वो निश्चित ही, मेरा मानना है कि विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही जो हिमालय की प्राचीन विधा है जिनको दास परंपरा कहते हैं, जिनको हम यहाँ हिमालय की भाषा में औजी भी कहते हैं, तो वो देखिए किस प्रकार से ये संगीत है, ये ड्रम के माध्यम से जिसको ढोल और दमाओं के माध्यम से ये दिव्यता और भव्यता, जिससे कि यहाँ की जो दैवीय ऊर्जाएं हैं वो बड़ी प्रसन्न होती है। और ये आप देख सकते हैं, दर्शन लाभ लीजिए, ये मंदिर है और ये ऊपर सामने हिमालय का भूभाग और ये पूरी पहाड़ियाँ बड़ा अद्भुत है, अकल्पनीय है। और ये आपको भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर पांच पांडवों की स्मृतियाँ पाषाण काल से लाल रंग के इसलिए हैं क्योंकि इनमें अग्नि का प्रज्वलन हुआ था। माना जाता है कि जब पांच पांडवों को दुर्योधन के द्वारा उनके लिए भवन का निर्माण और उनको अग्नि में भेंट कराने के लिए, तो ये ऐसी बहुत अनेक इसके ऊपर विधाएँ और मान्यताएँ हैं तो उनमें अनेकों, लेकिन जो भारत सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा जो एविडेंस अवेलेबल है वो कहते हैं कि जो मेन इसका यहाँ पर सवा लाख शिवलिंगों का स्थापित किया गया था पांडवों के द्वारा। और जब वो महाभारत युद्ध के पश्चात जब वो हिमालय भूभाग में सभी जो ब्रह्म हत्या या जो जीव हत्या के पापों से मुक्ति पाने के लिए 125,000 शिवलिंगों की स्थापना भगवान शिव की साधना के लिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए, जो आप भी जानते हैं कि केदारखंड के रूप में और पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात है। और इसी प्रकार से यहाँ भी जो दो द्वारपाल हैं, जैसे हम प्राचीन समय से पढ़ते हैं राजा दक्ष के समय से, तो ये जो भगवान शिव के जो अवतरित अंश से ही अवतरित हुए थे जटाओं से, उनमें एक थे वीरभद्र, दूसरे थे महावीरभद्र, जिन्होंने राजा दक्ष का संहार किया था, सर धड़ से अलग किया था। और फिर देवताओं की सभी की विशेष अनुरोध पर भगवान शिव ने फिर उनको पुनः सिर प्रदान किया था। तो यह इस दिव्य स्थान की महिमा है और अनेकों इसमें दिव्यता और भव्यता का वर्णन मिलता है, जो अभी इतना संभव नहीं है कि हम इस चलचित्र के माध्यम से आपको समझा पाएँ, लेकिन आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप सनातन की अपनी पद्धतियों को, भारतीय संस्कृति और परंपरा को और अधिक गहराई से जानें, जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में हमें अपनी भारतीय संस्कृति परंपराओं को भी जानना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे वेद, भागवत गीता, रामायण ग्रंथ जो हमारे षड् दर्शन है उनके प्रति भी, उनकी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसका भी हमें भान होगा। तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हर हर महादेव। ये पूरा मंडल ऊपर का शिखर और ये नीचे तक का पूरा मंदिर, अभी हमारे गुरुजी ने पूरा व्याख्यान किया इस स्थान का, लाखा मंडल का, इस मंदिर की दिव्यता। और देखिए इस मंदिर में जैसे कि हमारे ब्राह्मण देवता जी, आप अपना नाम बताइए प्रभु। पंडित केशव राम काला जी हैं। पंडित केशव राम काला जी हैं, जैसे कि इन्होंने बताया अभी कुछ देर पहले, तो पंडित जी आपको आगे बताएंगे। तो जब इस मंदिर का निर्माण जब पांडव द्वारा हुआ है द्वापर युग में, तो पांडवों ने इस मंदिर पर गाय माता के पदचिन्ह बना दिए। अच्छा। गाय आएगी इस मंदिर की खोज करेगी तब यहाँ पंडित पूजा करेंगे, तो उस गाय के ये पदचिन्ह है, इसमें देखते हैं आप पूरे मंदिर पर गाय माता के पदचिन्ह बने, उस गाय का नाम कहा जाता है कामधेनु गाय, उस गाय का नाम है कामधेनु गाय, जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की ऐसा बताया जाता है, पूर्वज बताते हैं उस गाय के अंदर गुण थे जो नदी पार करके यहाँ अभिषेक पूजा करती थी फिर चले जाती थी, ना जाने कितने वर्ष बीत गए होंगे ये हम नहीं बोल सकते, ये पुराणों में है। और गौ माता के द्वारा इस मंदिर की खोज हुई है तो गौ माता के पद चिन्ह इस पर बने हुए जो पूरे मंदिर पर आपको विराजमान दिखे। जैसे जो ब्राह्मण देवता ने बताया कि इस मंदिर की जो खोज
वो गौ माता की कृपा से हुई है। गौ माता जो सबसे श्रेष्ठ कामधेनु, जो जिनको सर्व प्रदाता भी कहा जाता है, सर्व प्रदाता का अर्थ है कि सब कुछ देने वाली, जो भी आप माँ कामधेनु से मांगेंगे वो सब आपको प्राप्त होगा। तो माँ कामधेनु, ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर माँ कामधेनु अपने दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करते थे शिवलिंग रूप में। और इस मंदिर की स्थापना जब पांडवों द्वारा एक रात्रि में ही की गई, तो इस मंदिर पर ये जो गाय के पद चिन्ह हैं जिनके खुर के नाम से, वो आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं, अंकित हैं ये। और ये इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में कोई भी किसी प्रकार का सीमेंट, कंक्रीट या लोहा उपयोग में नहीं हुआ है, और ये स्ट्रक्चर ऐसे ही पत्थरों से निर्मित, इसकी जो कलाकृति है आप कभी और अच्छे से अद्भुत अनुभव होगा जब आप यहाँ पर दर्शनों के लिए आएंगे। और ये दैवीय माता, जो आज देखिए नवरात्रि का समय भी चल रहा है और ऐसी जगह मिस कर सकते हैं, और मिस कैसे कर सकते हैं आप साथ भगवान ही पहुंचाते हैं, मिस कैसे। देवता लोग असुर से हार गए थे, अच्छा। माँ दुर्गा को अपना रूप धारण करना पड़ा, महिषासुर राक्षस का वध किया, तभी से इस माता का नाम माँ महिषासुर मर्दनी पड़ा। ये महिषासुर राक्षस हैं, ये वार कर रही थी, तो भगवान शंकर जी का जो त्रिशूल था माता जी ने लिया, इस राक्षस का वध किया। तो जब जब असुर पैदा होते हैं तो देवियाँ ही असुरों का संहार करती है। जय हो, जय हो। देखिए जैसे ब्राह्मण जी का प्रभाव प्रबल होता था, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति माँ शक्ति अपने विशेष रूप में अवतरित होती थी, और अवतरित होकर उन सभी अधर्म का नाश करती थी, धर्म की स्थापना करती थी। तो अभी ये समय नवरात्रि का समय चल रहा है, माँ नवदुर्गा दशम महाविद्या चौसठ योगिनी की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आप सभी के लिए। हर हर महादेव, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, जय हो। व्हाट इज नेम? सक्षम। सक्षम ब्लॉग? नो, इंस्टाग्राम ओनली। कहाँ से हो? देहरादून से। वाओ, साइकिल से आकर रहे हो, देखा नहीं आपने? क्या नाम जी? सक्षम। सक्षम भाई, इंस्टाग्राम रील ओनली? यस। और फेसबुक? फेसबुक पे ज्यादा आपका एक्टिव नहीं है। ओके, देहरादून से है भाई मेरे। एक वीडियो क्लिप है ये, और फिर मैं फोटो भी निकाल लेता हूँ। आशीर्वाद मिलना मेरे ब्लॉग के लिए। महादेव, ये भूमि से अनिल जी के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं, प्रार्थना है कि इनके ब्लॉग प्रसिद्ध हो जाए, विश्व प्रसिद्ध हो जाए, और अधिक प्राप्त करें, उनकी ख्याति पूरे सर्वत्र हो। जय हो, हर हर महादेव। सक्षम भाई का इंस्टा 360 इस कैमरे पलट के दोनों नाम, अरे फिर भी इधर भी लिखा था ना, ये देखिए, और इससे ये मैं पूरा इंस्टा रील बनाते हैं। और बेचारे साइकिल से आ रहे थे के बाइक से के साइकिल से कहाँ तक जा रहे हो? यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, हरसिल, फिर वापस। और ये कपड़े तो दिख नहीं रहे, कपड़े साइकिल में है ना नीचे। ओके, थैंक यू यार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। आई एम सो लकी टू गो टू इंडिया। व्हाई व्हाई व्हाई? बिकॉज़ ऑफ कोविड। ये यात्रा का यहाँ से अब लाखा मंडल मंडल से जा रहे हैं हम लोग वापस, भगवान ऐसी कृपा करें और आप सभी लोग यहाँ पहुँच जाए। साथ वीरभद्र जी आ रहे हैं। अरे वाह, जय हो। ये जो प्राचीन पांडव गुफा स्वयं भू गुप्तेश्वर महादेव है ना, अभी जहाँ हम लाखा मंडल से चले वहीं से ये गुफा आई हुई है नीचे, और इस पूरे पहाड़ पर्वत श्रृंखला पे गुफाएं गुफाएं, यहाँ पे शिव जी का अभिषेक जलाभिषेक ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ये यहाँ लाखा मंडल की पांडव गुफा, ये गुफा में मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ हनुमान जी तो विराजे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी चीज है। ओके, कम कम फास्ट। ओके, पीओए, देन मेक लेटर, मेक वीडियो, प्लीज कम। ओके, कम।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनाइए बनाइए, आप बनाइए। हर हर महादेव। हरिओम तत्सत। आज हम पांडव गुफा के आपको दर्शन लाभ करवाएंगे, तो आप सभी दर्शन लाभ लीजिए। और हाँ जी, हाँ भाई, चलिए। वो थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, चलते रहिए, लेट के भी जा सकते हैं। जाएंगे लेट के, झुक के भी जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं है ना सामने, बस यही है। यही गुफा है। वाओ, गुफा उधर से भी होगा। हाँ हाँ, ये आप दर्शन लाभ लीजिए। ये देखिए, स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव है, और ये यहाँ की बड़ी महिमा है, और जो प्राचीन पांडव गुफा के नाम से भी विख्यात है। और इस गुफा की जो मान्यता है, वो माना जाता है कि जब पांडव युद्ध के पश्चात जब लाखामंडल में आए थे, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 125,000 शिवलिंगों की स्थापना की थी, तो उन्हीं में से जब अपनी जप तप और साधना के द्वारा ये निर्मित जो गुफाएं थी, जहाँ पर भी उन्होंने अपनी साधना करी थी, तो इसलिए इसको पांडव गुफा के नाम से भी ये विश्वविख्यात है। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, और भगवान देवों के देव महादेव, स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव से प्रार्थना है आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए, यश समृद्धि शांति सुख की कामना और प्रार्थना आप सभी के लिए। हर हर महादेव। ये बहुत ही लंबी गुफा है, एकदम सुरंग बहुत दूर तक अंदर दिखाई दे रही है प्रभु, और यहाँ पे जलाभिषेक भगवान का होता रहता है, अपने आप ही भगवान शिव जी का। ये गुफा का एकदम अद्भुत दृश्य। जय हो, जय हो। ये गुफा से वापस गुरु जी भी आ रहे हैं। नो नो, गिव आउटसाइड, कम कम आइए प्रभु। अब हम भगवान ये महादेव के दर्शन करने के पश्चात पुनः वापसी के प्रस्थान करें, क्योंकि ये गुफा देखिए आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे भी काफी समय कम 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 देखिए। ये गुफा अनेक भिन्न भिन्न इस प्रकार से, यहाँ से भी ये गुफा का मार्ग है, और ये उस तरफ से भी, चारों तरफ गुफाएं हैं। तो ये भगवान देवों के देव महादेव की जो भूमि है लाखामंडल, और जहाँ पर पांडवों के द्वारा ये जब तप किया गया, और इस स्थान की जो महिमा है और जो ऊर्जा है बड़ी दिव्य और भव्य है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप आइए, और प्रार्थना इसलिए क्योंकि अपनी सनातन धर्म संस्कृति को हम जानें। yes. ये सबसे बड़ी हमारे लिए जो हमारी संस्कृति, क्योंकि हमने आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन भारतीय संस्कृति परम्परा, अपने वेद संस्कृतियों को हम भूलते जा रहे हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है, और आप सभी से प्रार्थना निवेदन है कि दिव्य भूमि की जो ऊर्जा है उसका अनुभव करें। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और ये अखंड ज्योति है यहाँ पर, जो अखंड ज्योति की ध्वनि, जो देवों के देव महादेव, जो भगवान शिव की जो साधना जो आरंभ होती है, जैसे आप जानते हैं शमशान से ही भगवान शिव की, भगवान शिव का भस्म से बड़ा गहरा नाता है। और ये वह ध्वनि है जो पंचाक्षर बीज मंत्र के नाम से गूंजती रहती है, ओम नमः शिवाय, नामा शिवाय, ओम उस मंत्र को, पंचाक्षर मंत्र को पूरा परिपूर्ण करता है। तो इसलिए आप पंचाक्षर बीज मंत्र जो है, यह पंच तत्वों पर विजय प्राप्ति का प्रतीक भी है। इस मंत्र को ना मा सी वा या, ये पांच अक्षर हैं, और इन अक्षरों को परिपूर्ण करने के लिए ओम मंत्र का उच्चारण होता है। ओम हमारे वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म पद्धति में, ओम के बिना मंत्र अधूरे हैं। या तो इसलिए ओम, अनेकों ऐसे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ज्योतिर्मंत्र है, सब में ओम का वर्णन है। तो इसीलिए ओम नमः शिवाय पंचाक्षर बीज मंत्र का उच्चारण से या भूमि अखंड ज्योति की, और ये जो भस्म ध्वनि प्रज्वलित रहती है या दिव्य है, और ऊर्जा का प्रकाश स्तंभ यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ब्राह्मण देवता हैं, और जो भगवान देवों के देव महादेव पांडव गुफा की सेवा कर रहे हैं, उन सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये ब्राह्मण देवता हैं जो विराजमान हैं यहाँ पर,
जय हो और आपकी भी जय हो। और ये दिव्य और भव्य हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुफा के दर्शन के बाद जैसे हम लोग बाहर आए तो हनुमान जी के दर्शन हो जाए, और हनुमान जी क्षेत्रपाल के रूप में भी हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये गुफा का बाहर का, तो हनुमान जी को प्रणाम करके अब आगे की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय हो प्रभु। गुफा के प्रवेश द्वार पर ना भगवान गणपति ने ही पहले ही श्री गणेश अपना, देखिए कैसे बन गए हैं यहाँ पे, वाह। और फिर ये नीचे गुफा, यहाँ हनुमान जी। तो भोजन कर लेते हैं फटाफट। लाखा मंडल से जब वापस आए ना तो जमुना जी के दर्शन, और ये जमुना जी बह रही हैं, ये यहीं पे हम लोग भोजन के लिए बैठ गए हैं। दोपहर का समय हो रहा है, 1:30 बजने वाले हैं, भूख लग रही है तेज। और प्रेमा जी वेरी हैप्पी लकी, बस लकी बोल दिया करो आप तो। फाइनली पहुंच गया 5 बजे जानकी चट्टी। और यहाँ आज मौसम बड़ा भीगा भीगा है भाई, सर्दी बहुत है, लेकिन बारिश नहीं रुकी है, 2-3 घंटे से बारिश हो रही है। और ये पूरा नज़ारा यहाँ जानकी चट्टी यमुनोत्री का, ये देखिए उत्तरकाशी 125 बड़कोट 45। हमने गाड़ी पार कर रखी इस होटल मंदाकिनी में। तो फाइनली ये रूम मेरा, यहाँ मेरे ने अपना सामान लगा दिया है, और ये मेरे लिए रूम है, और सामने ही पूरा ये पहाड़ों का नजारा, वाओ। तो भाई जी फाइनली शाम हो गई है, और आज के ब्लॉग की एंडिंग यही है, बाकी देखते हैं अगर कुछ बनता है तो। हम अपने रूम में आ गए हैं, शाम को 6 बजने वाले हैं, और आराम करेंगे, फिर सुबह यात्रा यमुनोत्री की। जय श्री राम, जय यमुना माँ।